एवरीवन, वेलकम टू रेवरेंड डॉक्टर फजल शेख बाइबल टाइम शो। टुडे वी हैव अ करेक्ट सर्वेंट ऑफ गॉड फ्रॉम गोरखपुर मसीही कलीसिया उत्तर प्रदेश, रेवरेंड जोसेफ सैमुएल। वी हैव सर्व मोर देन 50 इयर्स इन हिज चर्च एंड टुडे ही इज इन आवर स्टूडियो। प्यारे दर्शकों, आपका जो है रेवरेंड डॉक्टर फजल शेख बाइबल टाइम शो में स्वागत है। और आज हमारे इस स्टूडियो में एक प्रभु के महान दास हमारे बीच में है, जिन्होंने मसीही कलीसिया चर्च गोरखपुर में 50 से अधिक वर्ष तक सेवा की, और आज वो हमारे बीच में है और आपको अपना अनुभव बताएंगे। और आज इस इंटरव्यू में, आज इस जो है साक्षात्कार में, आप बहुत सी विशेष बातें सीखेंगे। तो हम स्वागत करेंगे, हमारे बीच में है रेवरेंड यूसुफ सैमुएल। आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं कुछ सवाल करूंगा और सवाल के जवाब में आपको आगे, मैं पहली बात तो ये पूछूंगा कि आप अपने पर अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, बहुत ही थोड़े शब्दों में। मैं पास्टर यूसुफ सैमुएल, बढ़लगंज मसीह कलीसिया चर्च में लगभग 50 साल से ऊपर सेवा करता रहा हूं, और यह अवसर मिला कि मैं अपने भाई फजल से मुलाकात करूं, जो हमारे चर्च से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद सब, ये हमारे लिए खुशी और सौभाग्य की बात है। ये प्रभु की मर्जी थी, इच्छा थी कि वो आपको यहाँ लेकर आए। और आज हम जब दोनों साक्षात्कार के लिए इकट्ठा हुए, तो मैं जानता हूँ कि प्रभु यीशु जो है हमारे बीच में है, और वो चाहता है अपने बचपन की थोड़ी बातें बताए। मैं बचपन में अपने बरज मिशन हॉस्टल में रहा, और मैं अनाथ लड़का था। हमारे माँ बाप गरीब थे, माँ बाप मर चुके थे, माँ थी, और माँ ने स्वीडिश बैप्टिस्ट मिशन में हमें डाल दिया, और वहाँ पर रह करके हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। और वहाँ के अधिकारी रेवरेंड इमानुएल गुनर थे, जिन्होंने बड़ा प्रयास किया। मैं तो बार बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके चला जाता रहा, लेकिन उन्होंने बार बार मुझे अवसर दिया ताकि मैं इस सेवकाई में निकल सकूं, और उन्होंने मेरी सहायता की। मैं जून बाइबल कॉलेज में गया और वहां शिक्षा ग्रहण की, और 67 में मैं वहां से निकला अप्रैल महीने में ट्रेनिंग लेकर के। उसके बाद जुलाई 67 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद से मैं बढ़लगंज मिशन में और सेवा सदन हॉस्पिटल और चर्च में सेवा का कार्य कर रहा। बस अब एक बहुत बड़ा आज प्रश्न उठता है, लोग बाइबल कॉलेज में जाते हैं और सेमिनरी में जाते हैं और डिग्री लेकर आते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा है आज पूरे विश्व में कि बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट सेवा क्यों नहीं करते, सेवा में क्यों नहीं आ पाते, बहुत थोड़े एक दो आ पाते हैं। और आपने ये जो ये सेवा को क्यों चुना, पास्ट्रीय सेवा को आपने क्यों चुना? ये प्रभु की बुलाहट थी मेरे जीवन में, और प्रभु ने बुलाया अपनी सेवा के लिए, तब मैं इस स्थान में। लोगों को ताजुब होता रहा कि ये कैसे बाइबल स्कूल में जाएगा, लेकिन फिर भी हमें वहाँ के अधिकारी ने एक पास्टर जेम्स जॉन के साथ हमें रखा। एक साल तक हम गांव-गांव में गए प्रचार किए, उन्हीं दिनों में मुझे बुलाहट मिली और मैं इस सेवा के लिए निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर से नौजवान मसीह के लिए जो घरों में रहते हैं और जो लोग जो है सेवा में नहीं निकल पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और ये जो है बातें जो है आपके जरिए से जो पहुंच रही हैं उनके तक, उन तक, तो ये उनके लिए एक बहुत एक मार्गदर्शन होगा। देखेंगे आपके मसीह जीवन से, सेवकाई से, आपने इस सेवकाई, आजकल के युवा पीढ़ी अपने युवा अवस्था के लिए के दिनों में एक दूसरे
क्यों क्यों अपने युवा के दिनों में जो है परमेश्वर से दूर भागते जा रहे हैं? आपकी सेवकाई का अनुभव बताइए। इसीलिए क्योंकि शैतान जो है वो नौजवानों को संसार की बातों में आकर्षित करके और धार्मिकता से अलग करता है। इस कारण से जो हमारे जवान हैं बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जब कलीसिया में उनके साथ प्रार्थना होती है, वचन सुनते हैं, तो उनका जीवन परिवर्तित होता है और वो यीशु के पीछे चलते हैं। थोड़ा अपने सेवकाई के विषय में बताइए, इसमें क्या है? हमारी सेवकाई चर्च मिनिस्ट्री रही है, चर्च में हम सेवा करते रहे हैं और गांव-गांव में जाकर के सेवा करते रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, हमारी वाइफ हॉस्पिटल में काम करती रही और हॉस्पिटल के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत से लोगों को लाया, जिसका एक प्रमाण आप भी है। दोस्तों मैं आपके सामने एक साक्षात्कार बैठा हुआ हूँ, मैं भी इसी सेवा से आया हूँ, तो ये प्रभु की का बहुत बड़ा जो एहसान है हमारे ऊपर है। और आज प्रभु ने इस सेवा को, मसीह काली सेवा को जो है दक्षिण भारत में, खासतौर से बेंगलोर में जो है प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं हमारे पास्टर साहब का आभारी हूँ और हमारे जो मसीह कलीसिया के लोगों का आभारी हूँ। बहुत खुशी पास्टर साहब। मैं आगे देखो, आप अपनी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ बताएं। हमें सच्चाई के पर चलने वाले लोगों से पसंद है और जो सच्चाई पर नहीं चलते हैं मैं उनका साथ नहीं देता हूँ। तो ये तो सही बात है, कहा गया है कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, कहता है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। और हम देखते हैं कि जो हर तरह से वचन के अनुसार चलने वाला जो है वो सच्चाई को हमेशा ताज करेगा, भले ही कितना ही दुख उठाना क्यों न पड़े। आपके सेवकाई के दिनों में कुछ ऐसी बातें घटी हैं अच्छी और बुरी, मतलब जो दुख पहुंचाने वाली हो, जिस रुकावटें हो, और फिर प्रभु ने आपको जो है उस विजय दिया हो, उसको हमारे साथ बात करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में घटी, और साथ ही साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार जो परेशानी में है, तंगी में है, ऐसे समय में जब बाढ़ की स्थिति होती है, तो हम अपने क्षेत्र में हर प्रकार का सहयोग दे करके कार्य करते हैं और लोगों की मदद भी करते रहे। लेकिन इसी बीच लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला और मेरे ऊपर बहुत सी समस्याएं, विरोध हुआ, लेकिन सारे विरोध के बावजूद मैं आज उसी नगर में चल रहा हूं और परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है और उसकी सेवा कर रहा हूं। कलीसिया में रुकावटें आती हैं, ले इस स्थिति में पास्टर को क्या करना चाहिए, पास्टर के लिए क्या? ऐसी स्थिति में जब समस्या आती है तो कलीसिया और उसके अगुओं को मिल करके प्रभु के चरणों पर बैठने की जरूरत है और प्रार्थना करने प्रार्थना में मन लगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं मिलकर के, अगर इसमें जोड़ दिया जाए उपवास की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना हमारे यहाँ चलती है, हाँ। और उपवास की प्रार्थना से सारी समस्याएं हल हो जाती है। एक अनुभव बताए। एक अनुभव, बहुत से बातें हैं जो उपवास के साथ प्रार्थना किया गया। एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था और उससे जो सातवा निकल नहीं रही थी जी। लेकिन हम लोगों ने उपवास के साथ जब प्रार्थना किया जी। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा से उस दुष्ट की शक्ति को डांटे हाँ। तो वो निकल गई और हालेलुया, सारे डिस्टर्ब करने वाली आत्मा दूर हो गई। परमेश्वर, मैं कह रहा था कि स्थिति जब कलीसिया की खराब होती तो पास्टर को किस तरह से जो है काम लेना चाहिए, मैं किस तरह कदम उठाना चाहिए? उपवास के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठना है, प्रार्थना करना है जी। और जो हमारे एल्डर हैं हुए हैं उनको भी लेके साथ में प्रार्थना करें जी। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में से कोई एक शब्द, बाइबल से कोई वचन जो आप इसके संबंध में शायद
बता सकते हैं? मैं कह सकता हूँ कोई, हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जब वो अपने मृत्यु के अवस्था में था जी, तो उसने यही कहा, जो लोग उनको सता रहे थे, जो लोग उन्हें परेशान कर रहे थे, जो लोग उनको क्रूस पर कीलों से ठोक रहे थे, उन सब के लिए उन्होंने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे कि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हमें भी क्षमा करना चाहिए और करना चाहिए। क्या अपने जीवन में कोई ऐसा त्याग आपने किया है जो आपको परिवार सहित करना पड़े? त्याग, हमने सबसे बड़ा त्याग किया कि अपनी वाइफ को हमने गवर्नमेंट से नौकरी से निकाल करके मिशन में रखा और मिशन की वो सेवा करती रही, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से दूर रहते, वो गवर्नमेंट में होती, कहीं और ट्रांसफर रहता, तो इसलिए हमने वहां से निकाल लिया और हम दोनों मिलकर के सेवा किए और हमारी सेवकाई सफल रही। परमेश्वर आशीष दिया हम दोनों को। जरूर जो संसारिक तौर से नुकसान हुआ, जैसे रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलना था वो नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष, किसी भी बात की घटिया कभी नहीं। ये तो बात सही है, अनुभव त्याग जो है चाहता है कि त्याग है, और बड़े बड़े मिशनरियों ने हम देखा है, सेवकों ने त्याग किया है, और त्याग करने के बाद प्रभु ने उन्हें बहुत ऊंचा उठाया है। आपको भी प्रभु ने समय दिया सेवा का, ये इसका कारण है, त्याग का कारण है। ये जो संगीत है, म्यूजिक है, उसका आराधना में कितना महत्व है? म्यूजिक जो है वर्शिप में करने में बहुत, उसके आराधना में जी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि उसके साथ साथ हमें एक आकर्षण भी होता है जी। समाज के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए एक आकर्षण भी होता है जी। और आधुनिक समय में ये बहुत ही आवश्यक है, चर्चेज में ये बाजे का इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अपने बचपन और आज के बचपन में थोड़ा अंतर बताइए। बहुत अंतर है हम लोगों के समय में और आज के समय में, बहुत अंतर है जी। और ये समय जो है बिना कुछ किए बिना उसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन पहले इतना लड़ाई झगड़ा, इतना बीमारियां, इतनी सारी चीजें नहीं थी जो आज के में पाई जाती है। बच्चों को थोड़ा डांटो तो गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कोई तो हमने सुना है कि आत्महत्या भी कर लिया। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं लोग ऐसी स्थिति में। तो हमारा बचपन में बड़े लोग हमको डांटते थे जी, तो हम क्या करते थे? तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आज बच्चे जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बच्चे। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आजकल तो एजुकेशन भी बहुत हाई हो गया है, एजुकेशन हो गया, सब कुछ है, बच्चे जो है कंप्यूटर बन गए हैं, डिजिटल बच्चे हैं, फिर भी जो है वो समझ नहीं पाते बड़ों को किस तरह से। बाइबिल कहती है कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, है कि नहीं? और जवानों को जो है प्रभु के नजदीक आना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ। तो आप बच्चों के बारे में तो काफी अनुभव रखते हैं, क्योंकि आपकी सेवा रही है और संडे क्लास में या यूथ जो है मीटिंग में या वुमेन्स जो होते हैं, इसका बहुत महत्व है हमारी कलीसिया के लिए। और इस संसार में जो है किस बात की कमी है जो आप महसूस करते हैं? अक्सर देखा संसार में सबसे बड़ी कमी है प्रेम की कमी है जी। और एक दूसरे को क्षमा करने की जी। अगर ये दो चीज संसार के लोग ग्रहण कर लें तो दुनिया बदल जाएगी। और जो यीशु मसीह की शिक्षा है, वचन में भी कहा गया क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज तो विशेष है। यानी कलीसिया में लोग कहते हैं कि उस कलीसिया में प्रेम नहीं है, इसके संबंध में आपका बहुत अनुभव है। कलीसिया, उस कलीसिया में प्यार नहीं है, मुझे कह क्यों कलीसिया छोड़ दिया? बोले कलीसिया में प्यार नहीं है। तो इस प्यार का जो शब्द है वो तो भी समझ में आता है। हमारे मसीही होने के कारण हमारा उद्देश्य क्या है? आज हमें क्या है, हमें विशेष, हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए? हमें इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो विश्वासी है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो सफलता उनके जीवन में आएगी, नहीं तो वो सफलता नहीं होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूँ कि दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आज 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 के इस इंटरव्यू और साक्षात्कार में हमारे जो प्रिय रिवेंड यूसुफ सैमुअल ने बहुत सी बातों को वो बताया है। हम जानते हैं कि ये हमारे समाज में आज हम बहुत ही बड़ी आवश्यकताएं हैं और इन सब बातों की, ये सब बातें रोजाना घटती रहती हैं। और इस प्रोग्राम के इस जो जो उद्देश्य है हमारा, हिंदी बाइबिल टाइम जो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी साक्षात के माध्यम से, आपको बहुत पसंद आया होगा और हम जानते हैं कि आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी समस्याएं, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपके घर की जरूरत और रोजाना डेली मर्रे की जो जरूरतें हैं, रोजाना जो आप आपकी आवश्यकताएं हैं, जो नौकरी, काम और बहुत से ऐसे जो आपने प्रार्थना किया है लेकिन प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है, हम जानते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे प्रिय जो है रिवरेंड यूसुफ सैमुअल आपके लिए, आपकी समस्याओं के लिए और आपके प्रतिदिन के मसीह जीवन के लिए और मसीह में आप आगे बढ़े हमारी कलीसिया के उन्नत के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके निकटता में उपस्थित हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे उस सेवकाई के लिए जो तूने हमारे हाथों में भिन्न भिन्न तरीके से सौंपा है। हम फिर प्रार्थना करते हैं अपने सारे श्रोताओं के लिए प्रभु, जो आज तेरे वचन की बातों को सुन रहे होंगे। पिता परमेश्वर तू उनको आशीषित कर, उनकी समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि उनकी समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे और हर एक रीति से मनुष्य आजाद और स्वतंत्र हो सके, क्योंकि तूने इसीलिए क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया और तेरा लहू बहाया गया ताकि हम जो पाप और अंधकार की दासत्वता में थे, हम उससे छुटकारा पा करके तेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति और प्रशंसा नित्य प्रतिदिन करते रहे। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तेरा वचन ये कहता है यदि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तभी हमारा जीवन सफल होगा और हमारे कार्य प्रभावशाली होंगे। इस वास्ते प्रभु अपने वचन में और प्रार्थना का जीवन तू हर एक को दे ताकि लोगों के जीवन के अंदर एक नया काम होने पाए। इस संगति के लिए, सहभागिता के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, यीशु ख्रिस्त के पवित्र और प्रिय नाम से मांगते हैं। हम जानते हैं कि ये पवित्र जो है सप्ताह है और जो है गुड फ्राइडे और हैप्पी ईस्टर की तैयारी में आप लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तब तक के लिए अपने भाई रेवरेंड डॉक्टर फजल को आज्ञा दीजिए कि हम फिर दोबारा आपसे मिल सकें इस हिंदी बाइबल टाइम में। धन्यवाद, परमेश्वर आपके साथ हो।